कलर्स के सीरियल मंगल लक्ष्मी में मंगल के घर पर आ गई है कुछ एनजीओ वाली डोमेस्टिक वायलेंस की खबरें सुनकर, लेकिन यहाँ पर मंगल ने सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। ऐसे में कुसुम भी मंगल पर काफी प्राउड है। साथ ही वो समझाती है आदित्य को कि वो अब मंगल से अच्छी तरह से रहे। ऐसे में जब मंगल कॉफी लेकर कमरे में आती है तो देखिए कैसे आदित्य भी उससे अच्छा बिहेव कर रहा है। भाई कहीं ना कहीं आदित्य सुधार की ओर है। आप भी क्या सोचते हो ना आदित्य जी, कितने सालों में एक बार भी मैं आपकी पसंद की कॉफी नहीं बना पाई। हमेशा कोशिश करती हूँ कि एक दिन बिल्कुल वैसी कॉफी बनाऊं जैसी आप चाहते हैं। डेफिनेटली अभी मैं बस ऑफिस के लिए निकल ही रहा था तभी लोकल एनजीओ से कुछ औरतें घर में आ जाती हैं और फिर वो कहती हैं कि उन्हें पुलिस स्टेशन से पता चला है कि मंगल ने केस किया था मेरे खिलाफ और केस विथड्रॉ कर लिया है। तो वो यही कहती हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, आप अपने पति को छोड़ दीजिए, एलिमनी लेने में भी हम आपकी मदद करेंगे, ऐसा वैसा। पर मंगल ने उन्हें साफ साफ ये कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और पता नहीं आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन किसने दिया है, मेरे पति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और ऑफ कोर्स डिफरेंसेस हर कपल में होता है और वही है, ये डिफरेंसेस है और उसे टॉर्चर नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट उसकी जो सास है वो भी उसके माँ की तरह है। तो मंगल ने काफ़ी अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर दिया। मैं भी काफ़ी इम्प्रेस था उससे कि ऐसा कुछ कहा नहीं, वरना मैं फंस जाता बुरी तरह। एंड अम्मा भी मुझे वही इशारे में कहने की कोशिश करती है कि देखो कितनी अच्छी बहू है तुम्हारी, बीवी है, तुम्हें बचा रही है। एंड वही फिर मैं रूम में आ जाता हूँ, स्ट्रेस में बैठा रहता हूँ और मंगल कॉफ़ी इस बार लेकर आती है और कॉफ़ी मुझे थोड़ी मीठी लगती है, पर इस बार मैं थोड़ा सा शांत रहता हूँ। ये नहीं कहता कि क्यों इतनी गंदी कॉफ़ी बना कर लाया हूँ। एंड सिचुएशन हैंडल हो जाता है और उसी वक्त लिपिका की एंट्री हो जाती है और उनका एक अलग ड्रामा चल रहा है। वो आदित्य को नहीं पता वो ड्रामा क्या है, बट ऑफ कोर्स आदित्य के बैक ऑफ द माइंड ये है कि सौम्या बहुत प्रेशराइज कर रही है उसे डिवोर्स लेने के लिए और उसके पास एक और कॉपी है जिसमें मैंने ऑलरेडी साइन कर दिया है और वो अपने तरीके से मंगल से साइन करवाने वाली है। तो वो इसके दिमाग में चल रहा है यार अभी एनजीओ वाले गए हैं, कहीं सौम्या कोई नया ड्रामा ना खड़ा कर दे वो डिवोर्स पेपर सामने लाकर। आई डोंट थिंक आदित्य के लिए वो नोटिफिकेशन थे, मुझे कुछ एक्चुअली पता ही नहीं। तो मैं उस थॉट प्रोसेस में हूँ ही नहीं कि वो मैसेजेस क्यों कर रही है, ये कर रही है। मेरा बस ये है कि कहीं सौम्या कुछ नया कांड ना कर दे डिवोर्स पेपर्स को लेकर। हम तो लेकर आते ही हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट जोरदार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।